ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट बाहर आते ही भारत में राजनीतिक और सामाजिक तौर पर एक नई बहस छिड़ गई है। हंगर इंडेक्स की सूची में 121 देशों में भारत का स्थान 107वां है, जो अपने आप में एक चिंताजनक बात है। सबसे ज़्यादा हैरानी इस बात पर है कि जिस श्रीलंका में गृह युद्ध जैसे हालात हैं और उसका लगभग दिवालिया निकल चुका है, वो इस सूची में भारत से बहुत ऊपर है। जिस अफगानिस्तान की ज़्यादातर ज़रूरत का सामान भारत द्वारा मुहैया करवाया जाता है, वो अफगानिस्तान भी इस सूची में भारत से केवल 2 स्थान नीचे है। जिस पाकिस्तान के बारे में ये कहा जाता है कि वहाँ पर सिर्फ 2 तरह के ही लोग पाए जाते हैं, एक बहुत अमीर एक बहुत गरीब, वो भी इस सूची में भारत से ऊपर है। अगर किसी इंसान को लगे कि ये सूची गलत है या इसकी सत्यता पर शक हो, तो उसे मौजूदा भारत सरकार के उस दावे को दोबारा सुन लेना चाहिए, जिसमें इस सरकार ने बार बार ये दावा किया है कि हमने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया करवा रहे हैं। इस बात में भी कोई शक नहीं है कि इंडिया स्पेंड की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त भारत में 270 मिलियन से ज़्यादा परिवार बीपीएल से नीचे रहते हैं। यहाँ पर एक बात खास तौर पे ध्यान देने वाली है, बीपीएल का मतलब होता है वो परिवार जिनकी रोज़मर्रा की आमदनी 32 रुपये से भी कम है। कोरोना काल के बाद ये मामला और संगीन हो गया है। चलिए अब मुद्दे पर आते हैं। भारत 135 करोड़ लोगों का घर है और यहाँ पर आज भी ज़्यादातर आबादी बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्षशील है। माना जाता है कि रोटी, कपड़ा, मकान और सेहत इंसान की बुनियादी ज़रूरतें हैं और सत्ताधारी सरकार पर हर नागरिक के लिए इनको मुहैया करवाना फर्ज है। मगर एक नज़र भारत की तरफ देखेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ की सरकारों का रोल इस मामले में एकदम ज़ीरो है। हालिया सरकार में एक अजीब बात और हुई है। तमाम वो चीज़ें जिनकी जिम्मेदारी सरकार की होती है, उससे सरकार अपना पल्ला झाड़ रही है और तमाम उन सरकारी संस्थाओं का धड़ल्ले से निजीकरण कर रही है जिनका भारत के नागरिकों की बुनियादी ज़रूरतों से सीधा सीधा संबंध है। सबसे चिंताजनक बात तो यह है कि इतना बेड़ा गर्क होने के बावजूद भी जनता की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। पहले 400 रुपये का सिलेंडर 450 रुपये हो जाता था तो पूरे देश में बवाल मच जाता था, और यही सिलेंडर अब 1100 रुपये के करीब है तो पूरे देश भर में कहीं पर भी कोई चर्चा नहीं है। आप एक बार बिहार, बंगाल, असम, उड़ीसा और यूपी के दूर दराज के गाँव का सफर कर लीजिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि लोग आज भी नून रोटी या भात खाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ऐसा क्यों है? जब दुनिया में 21वीं सदी में टेक्नोलॉजी की बातें हो रही हैं, वहाँ आज भी हमारे यहाँ चुनावी रैलियों में मुफ्त खाना बांटने को एक उपलब्धि की तरह गिनाया जाता है, जबकि ये राष्ट्र के लिए तो शर्म की बात है। जो राष्ट्र कभी सोने की चिड़िया कहलाता था, वो आज अपने नागरिकों को 2 वक्त की रोटी भी मयस्सर नहीं करवा पा रहा है। हंगर इंडेक्स की ये रिपोर्ट मौजूदा सरकार के विश्व गुरु बनने के दांव की हवा निकल रही है, जिसका बखान गोदी मीडिया के मुख से दिन रात हमारी जनता को परोसा जाता है। इस मैप को देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि भारत की भूख सूचकांक के मामले में स्थिति सच में एक सीरियस मोड़ पर है, जिस पर मौजूदा सरकार को हिंदू मुसलमान की बहस से बाहर निकलकर गहराई से काम करना चाहिए। देश का युवा इंतजार कर रहा था कि कब भारत एक विकसित देश कहलाएगा, और यहाँ तो हालत ये है कि भारत विकासशील देशों की भी सूची से बाहर निकलने की कगार पर खड़ा है। अगर चाइना अपने देश की आबादी को एक स्किल्ड लेबर में तब्दील कर सकता है, तो हमारे इरादों में क्या दिक्कत है? कुपोषण के मामलों को अगर जोड़ लिया जाए तो भारत की स्थिति इस कदर खराब है कि शायद आपको गुमान भी ना हो। 2 साल से छोटे बच्चों में केवल 6.4% को ही पौष्टिक आहार मिलता है। 7 साल से ज़्यादा बच्चे जिनकी उम्र 5 साल के अंदर होती है, वो हर साल कुपोषण का शिकार होके मौत को गले लगा लेते हैं। भाजपा ने जब 2014 में
केंद्र में सरकार बनाई थी, तो इस सूची में या इस हंगर इंडेक्स में भारत का स्थान 55 था। मगर उसके बाद से साल दर साल हमारी स्थिति खराब होती गई और 2022 में भारत 107वें स्थान पर पहुंच गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जहां विश्व में 821 मिलियन लोग भुखमरी का शिकार हैं, तो वहीं भारत में इनकी गिनती 196 मिलियन है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो हर चौथा आदमी भारत का है। अब मुद्दा ये है कि भाई इस स्थिति के लिए किसको जिम्मेदार ठहराया जाए, तो इसका सीधा सा जवाब है सरकार। क्यों? क्योंकि ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपने यहाँ के नागरिकों के दो वक्त के खाने का इंतजाम कर सके, वरना जबरदस्ती का विश्व गुरु का नारा दे देने से किसी भूखे का पेट नहीं भर जाएगा। राजनीति से अलग हटकर मौजूदा भारत सरकार को इस मामले को सीरियस लेते हुए इस पर सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि हमारी आने वाली नस्ल एक विकसित भारत में जन्म ले सके। धन्यवाद।